तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम अजय जी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। जी हाँ, पावर बीआई हमारा आज का टॉपिक है। नेक्स्ट जनरेशन डैशबोर्ड विथ पावर बीआई, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ कि पावर बीआई की जरूरत क्यों है। पहली चीज, मार्केट में इसका क्या डिमांड है। दूसरी चीज, पावर बीआई सॉफ्टवेयर हम कैसे ले पाएंगे। तीसरी चीज, क्या इसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। इन सारे टॉपिकों के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पावर बीआई जरूरत क्यों है। देखिए, पावर बीआई का यूज होता है, वो होता है डेटा विजुलाइजेशन के लिए। अब डेटा विजुलाइजेशन क्या होता है, ये आपको बोलने से समझ में नहीं आएगा, मुझे इसके लिए आपको कुछ रिपोर्ट दिखाने होंगे। अभी आप लोग एक्सेल यूज करते हैं, एक्सेल से फैमिलियर है, राइट। तो एक्सेल में आप लोग रिपोर्ट बनाते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं डैशबोर्ड। ओके सर, डैशबोर्ड आप लोग बोलते हैं। अब डैशबोर्ड क्या होता है, चलिए पहले एक बार हम कुछ सैंपल डैशबोर्ड जो एक्सेल में बना हुआ है वो हम आपको बताते हैं। यहां मैं कुछ रिपोर्ट ओपन करता हूं। हाँ, पावर बीआई ओपन करते हैं। जब पावर बीआई ओपन हो जाती है तो सिस्टम थोड़ी सी लो परफॉर्मेंस देता है। तो यहां पे हम देखिए, जैसे परफॉर्मेंस डैशबोर्ड कस्टमर केयर मैंने ओपन किया है। और आप डैशबोर्ड को ढूंढना है तो गूगल पे भी आप डैशबोर्ड सर्च करेंगे और फिर इसके इमेज में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि डैशबोर्ड क्या होता है। इसी को बोलते हैं डेटा विजुलाइजेशन। मतलब हम कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को ग्राफ के लिए और ग्राफ के जरिए, कलरिंग के जरिए हम जो शो करते हैं उससे क्या होता है कि हमें इजिली समझ में आता है। कोई भी डेटा विजुलाइजेशन के टूल्स अगर आप लेते हैं उसी तरह से आपको पता चलता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि 804 इसका गोल अचीव हो चुका है, इसमें 60% वो किया है, इसमें 39% किया। तो इससे पता चल जाता है, 60 मतलब सामने वाले को ये समझ में नहीं आता है कि 61% किया है, मतलब कि उसने कहाँ किया, तो पता चलेगा हाँ उसने मोस्टली कवर कर लिया, इन्हें बहुत कम कवर किया है। रेड आ गया तो सामने वाले बंदे को सोचने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्रिटिकल है। अगर रेड कलर हटा दूं, सीधे 39% दे दूं, तो सामने वाला पर्सन पहले सोचेगा 39% क्रिटिकल है। लेकिन जैसे ही कलर रेड हुआ, इट मींस क्रिटिकल। तो डेटा विजुलाइजेशन में कलर ग्राफ इसके जरिए इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारा जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे आपके सामने आपका दिख रहा है, अभी ये पूरा 63% है, तो आपके सामने दिख रहा है कि हमारा बेंचमार्क से आगे बढ़ रहा है, ये हमारा बेंचमार्क से पहले है, ये हमारा बेंचमार्क के नीरेस्ट पहुंच गया। ये दिख रहा है लाइनिंग आपका, कि इससे पता चल जाता है कि हाँ कौन सा जो पर्सन जो है वो हमारे टारगेट से ऊपर गया हुआ है, कौन सा टारगेट के नीचे गया हुआ है। तो इस तरह की जो आपका डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, इस तरह की डैशबोर्ड बनाने के लिए एक्सेल में घंटों लग जाता है। और सिर्फ घंटों लगना ही नहीं है, हमें इसमें एफर्ट भी लगाने पड़ते हैं। ठीक है अजय जी, इसमें आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक्सेल की फॉर्मूले की, एक्सेल की स्टार्टिंग की, उसकी प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब यही पे जो है एक्सेल मार्क्स कहा जाता है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हर किसी के पास हो। बट पावर बीआई इजी टू ड्रैग है। आप सीधे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे और पिवट की तरह आप एक अट्रैक्टिव डैशबोर्ड विद इन 5 to 10 मिनट में बना लेंगे। और उसके लिए आपको ज्यादा डीप नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। आपके सामने मैं एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के दिखाता हूं, छोटा सा डैशबोर्ड।
हमने डेटा वो कनेक्ट किया है, इसका क्या होता है कि खुद का डेटा नहीं होता है, हमें बाहर से डेटा लाना होता है। तो यहाँ से हमने सीट वन का डेटा लेके आया और इसको हमने लोड कर दिया। तो हमने एक्सेल, अब एक्सेल ही नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो कि ऑनलाइन है, जो कि ऑफलाइन है, आप इसको पावर बीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें पावर बीआई में हमें पावर क्यूरी को भी दिया गया है। पावर क्यूरी का यूज क्यों होता है, ताकि आप डेटा जो फिल्टर वगैरह करते हैं वो पहले ही कर दे, बाद में करने की जरूरत ना पड़े, वो पहले ही उसको फिल्टर कर दे। तो यहां पे अब देखिए हमारे पिवट की तरह बिल्कुल फिल्ड आ गया। तो हम सिंपल सा यहां हम विजुलाइजेशन को लेंगे और अपने इसको उठा के रखते हैं। फिर अब वापस हम विजुलाइजेशन लेते हैं, विजुलाइजेशन को सेट करते हैं जहां रखना है और बस हमें अमाउंट को उठा के रख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना विजुलाइजेशन हम यहाँ से, जरूरी नहीं कि हमें मैप पे ही दे सकते हैं, यहाँ पे अपना डेटा भी दे सकते हैं, नेम बाय क्वांटिटी आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें सिटी वाइज अमाउंट उसके बाद वापस हमने थोड़ा सा अपने हिसाब से इजिली यहां पे ड्रैग करके अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम फोटोशॉप में या बाकी चीजों में करते हैं ना उस तरह से। और यहां पे हम देते हैं में और देते हैं डेट। और डेट में भी यहां से डेट हीटर आता है, हम इसको चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम यहां देते हैं अमाउंट। यहां से मंथली आ गया रिपोर्ट। उसके बाद हम यहाँ पे ज्योग्राफिकल डेटा को भी शो कर सकते हैं। और इसमें हमने सिटी को दे दिया और सिटी वाइज हमने दे दिया अमाउंट। सॉरी सॉरी यहाँ फुल डिप नहीं रखना है, दिख रहा है ना सिटी वाइज। यस ओके। या फिर आप मैप में करेंगे तो मैप भी आ जाता है, इस तरह से भी अच्छा लग रहा है, पता चल रहा है कि सिटी में। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा हेडिंग दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मुझे 5 मिनट से भी ज्यादा टाइम नहीं लगा इस रिपोर्ट को बनाने में, या 10 मिनट कह लीजिए, मैं घड़ी नहीं देखा और हमने इस रिपोर्ट को आसानी से बना लिया। Right, sir. तो क्या लग रहा है, ऐसा रिपोर्ट हम जो है
एक्सेल में बनाने में कितना टाइम लगता है सर? एटलीस्ट एक घंटा तो लगता ही है, एटलीस्ट 1 आवर तो लगेगा ही लगेगा ना सर? हाँ जी सर। और 1 आवर के साथ साथ इसमें आपको एक्सेल की नॉलेज भी होनी चाहिए ना ज्यादातर? करेक्ट करेक्ट। इसको तो आप मतलब कि जो मान लीजिए फर्स्ट टाइम पावर यूज कर रहा है वो भी तो आप करके यूज कर सकता है ना सर? इसमें हमें कुछ खास नहीं किया ना सर, उठाया ड्रॉप किया, उठाया ड्रॉप किया, उठाया ड्रॉप किया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई ट्रिक नहीं लगाया इसमें, सिंपल है ना सर? राइट सर। तो ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, ये डैशबोर्ड आप इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पता आपको पता चल गया कि पावर बीआई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट है पावर बीआई के यूज करने का? यस सर। हम बात करते हैं कि पावर बीआई आपको मिलेगा कहां से। देखिए पावर बीआई के बेसिकली दो ऑप्शन है, पहला है आपका वेब वर्जन और दूसरा है आपका डेस्कटॉप वर्जन। तो दोनों वर्जन आपको ट्रायल बेसिस पे मिलेगा, दोनों वर्जन जो है आपको ट्रायल बेसिस पे मिलेगा, और भी ट्रायल मिलता है 6 महीने का, 180 दिन का ट्रायल मिलता है, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या होता है कि लिमिटेड उसका एक होता है, डेस्कटॉप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना सब कुछ है उसमें, वेब वर्जन में जो है लिमिटेड मिलता है। जैसे कि अब इस रिपोर्ट में मुझे किसी को भेजना है तो मुझे इसको सेव एज पीडीएफ करके मैं किसी को भेज सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दिया अपने यहाँ पे पब्लिश कर दिया, ये पब्लिश होने के बाद सीधे चली जाएगी हमारे वेब वर्जन मैंने वेब एप्लीकेशन में वेबसाइट पे, पावर बीआई की साइट पे मैं पावर बीआई की लॉगिन करूंगा, फिर वहां से जितने भी पावर बीआई यूजर्स है उनको हम शेयर कर देंगे, जैसे गूगल ड्राइव में हम शेयर करते हैं उस तरह से शेयर कर देंगे, या फिर इसका हम एक वेबसाइट इसका एक लिंक क्रिएट कर लेंगे, वेब लिंक जो होता है ना सर, और लिंक क्रिएट करके किसी को हम मेल कर देंगे। ओके सर, जब हम किसी को वेब लिंक क्रिएट करके मेल करते हैं तो क्या उसके पास भी पावर बीआई का एक्सेस होना चाहिए या विद रिस्पेक्ट ऑफ नहीं, वो जस्ट वेबसाइट के थ्रू ओपनिंग करता है। जैसे आप इसकी देखते हैं ना क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे स्टॉक मार्केट बहुत सारे चार्ट होते हैं ना, उस तरह से हो जाएगा। दूसरा चीज इसको एम्बेड कोड भी मिल जाता है, किसी मान लिया आपकी वेबसाइट चल रहा है, आप वेबसाइट पे आप डेली एनालिसिस रिपोर्ट डालना चाहते हो, तो इसका आपको यहाँ पे एम्बेड कोड मिल जाएगा, एम्बेड कोड लीजिए, HTML में जाकर पेस्ट कर दीजिए, वेबसाइट पे आपका ये होना शुरू हो जाएगा। ओके तो ये और सारा का सारा लिंक होगा आपके पावर बीआई आईडी से। अगर आप चाहते हैं कि पावर हमने पब्लिश से क्लिक किया, यहाँ पे सेव, पहले सेव करना पड़ता है इसको, अब हम डैशबोर्ड सेव कर देता हूँ, सेव। अब ये जो है हमारा पब्लिश हो जाता है। अब मैं पावर बीआई की साइट पे जाके आराम से इसको देख सकता हूँ, सेलेक्ट कर दिए, ये यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। अब मैं यहाँ अपना पावर बीआई का लॉगिन करता हूँ, यहां से मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, ये हमारा पावर बीआई का डेब एप्लीकेशन है। अब जैसे यहां हमने सेव किया, ये ऑटोमेटिक पावर डेस्कटॉप 7 है ना, ये यहां पे आ जाएगा। माई वर्क स्पेस पे जाइए, रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, डेस्कटॉप 7 आ गया सर, राइट, यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आ गया। सर अब मैं यही पे एडिट भी, यहाँ पे ऐसा नहीं क्या, यहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे छोटी मोटी चेंजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ से देखिए आपके सेव है, रिपोर्ट में प्रिंट करना है, पब्लिश ऑन वेब, एक्सपोर्ट तो पावर बी आई, पावर पॉइंट, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, दिख रहा है सर आपको? यस सर, यही से कर सकते हैं सर। लेकिन अगर मुझे फर्दर अगर डेटा को देखना हो, जैसे लेट्स से मैं अमाउंट बाय सिटी में मुझे नोएडा में देखना है कि फर्दर और क्या डेटा है इसका, क्या मैं उसे व्यू कर सकता हूं उसके थ्रू? आप डेटा देखना चाहते हैं? सो लेट्स से कि मैंने एक डेटा, मेरे पास डेटा है अमाउंट बाय सिटी जो कि बार चार्ट में है,
बट फर्दर मैं उसे और आगे ड्रिल डाउन करना चाहता हूँ कि अगर मुझे सिर्फ दिल्ली और जयपुर देखना है, क्या मैं उसको वो कर सकता हाँ हूँ वो उसके लिए कस्टमाइज? आपने देखे ना, ये बताऊंगा यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, स्लाइसर, हाँ जी या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे पटना पे क्लिक कर दिया ना, तो पटना पे क्लिक करने पूरा रिपोर्ट पटना के अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाएगा। हो गया सर। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत। अब पावर बीआई का एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगा इस चीज को जानिए। देखिए, अगर पावर बीआई परचेज करना चाहते हैं तो 600 कुछ रुपया महीना इसका होता है, समझे, पर आई। लेकिन परचेज नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं सर, आप यहीं पे आप जो है आप सिंपल सा गूगल में सर्च करें, पावर बी आई डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड डॉट पावर बी आई, पावर बी आई आ गया ना, डाउनलोड पावर बी आई माइक्रोसॉफ्ट। अब सर, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो यहाँ पे पावर बी आई के सारे वर्जन, पावर बी आई डेस्कटॉप आपको करना है, पावर बी आई मोबाइल भी है, उसके बाद पावर बी आई वर्जन भी है, तो आपको डाउनलोड, अब इस डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए यूआरएल में यहाँ पे देखिएगा किसका आपको किसका दे रहा है पास, आपका स्टोर का। इस पे क्लिक करते ही आपका जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है ना इसका, वो खुल जाता है, तो ओके। वहां से डाउनलोड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करेंगे और यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे अपना पावर बीआई 64 बिट है तो 64 बिट, या सेटअप करना है तो सेटअप कर लीजिए 32 बिट है तो, और डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना उसी तरह से इसको इंस्टॉल करना है, समझ गया, डाउट हाँ जी, इसमें। हेलो, यस सर, समझिए। डाउनलोड देने ना, कोई हाँ कोई जी, प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। नहीं सर, मैंने डाउनलोड किया हुआ है एक्चुअली इसको, लेकिन ना ये फर्दर आगे ईमेल आईडी मांगता है, ऑफिशियल ईमेल आईडी। हाँ, इसमें क्या है, आप इसको डाउनलोड जब कर ले, डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इसको लॉगिन करने के लिए आपको आपको आईडी मांगेगा, क्योंकि इसकी जो अकाउंट है वेब वर्जन हमने खोला हुआ है ना सर, ये वेब ट्राई फ्री पे सर आपने क्लिक किया होगा, तो आईडी बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑफिशियल आईडी देना होगा, ना कि जीमेल पब्लिक आईडी इस पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो चिंता नहीं कीजिएगा, मैं अपना ही डोमेन पे एक आपको ईमेल आईडी जो बना क्रिएट करके दे दूंगा, ठीक है सर, डन, थैंक यू। ठीक है ना, इसलिए मैं अपने आईडी पे बना के दे दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आप आईडी क्रिएट कर लेंगे और उसको यूज कर पाएंगे। ओके, तो पावर बी आई को डाउनलोड करने में कोई आईडी वाईडी की जरूरत नहीं पड़ती है सर, डाउनलोड इजिली कर सकते हैं आप। पावर बी आई डाउनलोड पे जाएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और नीचे जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देंगे। फिर जब ओपन होगा तो साइन इन करने के लिए बोलेगा, तो कैंसिल करके विदाउट साइन इन भी आप पावर बी आई को यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐप को साइन इन ही चाहिए होगा। करेक्ट सर, हाँ समझ गया ना, जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं हमारी ट्रेनिंग की, तो मंडे टू फ्राइडे आपको जो है 40 मिनट के आसपास इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और टाइमिंग वो आपकी जो कैचिंग पावर है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरे पास जो भी पढ़ने के लिए आते हैं सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास प्रैक्टिस की टाइम की कमी होती है, तो याद रखिएगा अगर आप पावर बीआई करने जा रहे हैं या कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो आपके लिए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिस। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो फिर क्लास लेने से कोई बेनिफिट नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सबसे पहले जरूरत क्या है, जरूरत है आपकी प्रैक्टिस की, तो आप क्लास की टाइमिंग डिपेंड करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। मुझे लगा कि हाँ आप जो है बहुत अच्छे से कर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं आपको घंटे कभी कभी 1.5 घंटे की भी क्लासेस दे दूंगा, मुझे ऐसा लगेगा कि आपके लिए बहुत हो रहा है, आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उतना ही आपको ट्रेनिंग देंगे जितना आप ऑब्जॉर्ब कर पाएंगे। सर,
ठीक है ना, मुझे मेरी इंटेंशन कभी नहीं रहेगी कि मुझे हमें इतने टाइम में इस टॉपिक को खत्म करना है, नहीं। अगर क्लासेस 2 महीने की जगह पे 3 या 4 महीने भी चली जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी इंटेंशन सिर्फ यही रहेगी कि आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, हर एक चीज का समझ में आनी नहीं चाहिए, हर एक चीज को आप यूटिलाइज कर सके, क्योंकि आप यहाँ पे कोई डिग्री के लिए कोई सर्टिफिकेट के लिए पढ़ने नहीं आए हैं, आप किसके लिए पढ़ने आए हैं, नॉलेज के लिए, ठीक है ना। कॉलेजेस में जो होते हैं ना सर कि सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, ये इंटेंशन यहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे होती है कि भाई जो भी पढ़ेंगे आप उसको अपने ऑफिस में यूटिलाइज करेंगे, उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अगर आपका अपना बिजनेस है तो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अगर आप जॉब करते हैं तो आप एक अच्छा इंफॉर्मेशन अपने रिपोर्टिंग पर्सन को दे पाएंगे। हर क्लासेस आपकी लाइव होगी और क्लासेस जो है कि रिकॉर्डिंग आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी, किसी समय अगर आपकी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है तो मैं आपको क्लास की रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं भी एक रिकॉर्ड करता हूँ, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पढ़ने के लिए आर्टिकल्स मिलेंगे और इसमें आपको फ्री रीज्वाइनिंग का ऑप्शन है कि इन फ्यूचर में कभी भी आप हमारे कोर्स को वापस रिपीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हम लोग जो है हम लोग सीट को लेते हैं, जैसे मैंने अपने कॉलेज लाइफ में सी पे चैंपियन था, सी और जावा पे मैं चैंपियन था, आप बिलीव नहीं करेंगे थ्योरी में मेरे पास तकरीबन 87 नंबर और प्रैक्टिकल में 98 नंबर मुझे मिला था सर। डेढ़ घंटे का प्रैक्टिकल पेपर को मैंने मात्र 15 मिनट में कंप्लीट किया था, मतलब जो प्रोग्राम मुझे मिले थे 7 प्रोग्राम लाने के मिले थे, मैं 7 प्रोग्राम को मात्र 15 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। और आज का डेट क्या है सर, मुझे सी को बारे में मुझे आप बता दीजिए, प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा, वो सब दिमाग से वॉश आउट हो गया। क्यों? क्योंकि 13 ईयर 13 साल हो चुके हैं सर, नहीं सर साथ में किया था बीसी मैंने, तो वही चीज है। अगर आप अगर टच में है तो ठीक है, टच में नहीं है तो आपका सीधा ब्रेन वॉश हो जाएगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो उस समय आपको अगर सडनली जरूरत पड़ती है तो आपको दोबारा से कहीं एनरोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप हमारे पास रीज्वाइन के लिए फ्री में रीज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको कोई चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, लक्ष्मी को मना कौन करेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो रीज्वाइनिंग आपको फ्री मिलेगी। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, राइट सर।